आई वोट आस्क यू अव क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पेशली हमारी जनरेशन में बहुत हो रहा है रेंट वर्सेज बाय क्या घर खरीदना चाहिए लोगों को आज के ज़माने में सी डेफिनेटली वन वेन समबड़ी इज इन द ट्वेंटीज दे शुड नॉट बाय हाउस रेंटिंग इज़ बेटर बिकॉज देर इज़ पीपल नीड टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड सी वन थिंग यू लुक द अदर इन ट्वेंटीज यू आर अर्निंग इज ऑल्सो नॉट मच सो हाउसिंग इज अ कास्टली प्रोडक्ट तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे है फाइनेंशियली कंफर्टेबल है तभी आप खरीदना तो ट्वेंटीज़ में आप घर नहीं खरीदना रेंटिंग ही बेटर है राइट एस यू गोइंग टू थर्टीज़ जैसे आपका शादी होएगा और बच्चे पैदा होते हैं ना तब हर एक आदमी को एक मेंटल सेंस ऑफ कम्फर्ट होना चाहिए कि मेरा खुद का घर होना क्योंकि खुद का घर जो है ना वो बहुत ही मेंटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमको जो हम रियलाइज नहीं करते लेकिन वो एज को आए तो करते हैं सो एंड जैसे आप 30 में गए तो आपका कमाई भी ज़्यादा होता है तब खरीदना लेकिन एक वन फैक्टर तो क्लियर अगर आप किसी घर खरीदना मतलब इट्स इट इट्स अ कॉस्टली अफेयर वो चीप अफेयर नहीं है वो बहुत कॉस्टली अफेयर है राइट right? अनलेस आपके पास फाइनेंसेस है आप कंफर्टेबल है नहीं खरीदना तब तक रेंट खरीदना बेटर है तो यू नो आई वुड सजेस्ट पीपल वंस वेन यू हैव सफिशेंट मनी राइट यू बाई अ हाउस बिकॉज सी एनी विच वेज एवरी पर्सन इन द लाइफ विल एनी विच वेज बाई अ हाउस वन हाउस एट लीस्ट बिकॉज इट्स जस्ट द सेंस ऑफ कम्फर्ट हाउस गिव्स यू अ ग्रेट सेंस ऑफ कम्फर्ट तो वो ऐसा ही होएगा बट वो आप राइट यू नो राइट टाइम पे करना है लाइक ट्वेंटीज इज़ नॉट नॉटल नॉट द राइट टाइम पर थर्टीज में भी डू यू थिंक सेंस करता है खरीदना घर क्योंकि आज अगर आप रेंटल यील्ड देखो स्पेशली अगर आप बॉम्बे बैंगलोर और डेली जैसी सिटीज में रहते हो स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड कितना होगा टू परसेंट होगा टू परसेंट कराइट तो अगर आज मैं मेरे एक करोड़ रुपए लगाता हूँ एक घर पे उस पर दो परसेंट मुझे रेंट भरना है करेक्ट राइट right? दो लाख रुपए साल का रेंट भरना है Correct. मुझे मैं अगर वो एक करोड़ रुपए बैंक में भी रख देता तो मुझे एफडी पे छह परसेंट मिलना है करेक्ट तो मैं हर साल एक करोड़ रुपए बैंक में रखूं और उससे मुझे छह लाख जो मिले दो लाख रुपए का मैं रेंट भरूं और जो बाकी चार लाख रुपए वो मैं उड़ाऊ ना <laughs> <laughs> अगर तो लॉजिकली मुझे घर खरीदने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए नहीं जब आप घर खरीदते हो ना आप एसेट भी क्रिएट करते हैं राइट आप जब लेट्स से आई एम रनिंग आई एम डूइंग ए जॉब एंड आई एम आई एम मेकिंग मनी राइट अल्टीमेटली माई सेविंग्स एफ्टर गो एंड क्रिएट एसेट्स या राइट इट माइट बी लिक्विड एसेट्स लाइक मैंने जाके कुछ कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है इट कैन बी फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड और रियल इस्टेट और एनीथिंग सो पीपल्स ट्रांसफर द सेविंग्स इन टू एसेट्स दैट्स पॉइंट नंबर वन नेक्स्ट पॉइंट इज सो आप जो रिटर्न देख रहे हैं ना वो केवल रेंट के हिसाब से देख रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ता है मेट्रो सिटीज में सी अगर आप एवरेज चार परसेंट पाँच परसेंट इन्फ्लेशन के जरिए पकड़िए राइट फाइव टू सिक्स परसेंट तो इन्फ्लेशन ही है उस जरिए तो होगा आपका राइट सो एंड देन जो आप जब आप घर खरीदते हैं बिना आपका इक्विटी कितना है टेन फिफ्टीन परसेंट और ट्वेंटी परसेंट होगा तो एसेंशियली आप लेवरेज का गेम खेल रहे हैं राइट सो वेन यू लेयर ऑल दीज थिंग्स यू गेट अ गुड रिटर्न वेरी गुड रिटर्न इट विल ऑलमोस्ट रन टू फिफ्टीन टू सिक्सटीन परसेंट इफ़ यू एक्सप्लेन इन वेरी पंद्रह 15-16 घर खरीदने से कैसे इंटरेस्ट बनता बना हाँ. चलो आप खरीदिए खरीद लिया एक करोड़ का एक वन करोड़ का, का हाउस राइट right? उसमें आपका इक्विटी है 20 लाख, 80 लाख बैंक दे रहा है राइट एंड right? वो चार साल

राइट ले लिया के बाद आपको आप बेच रहे हो वो फ्लैट कितने को बेचते वन लाइ वन पॉइंट थ्री करोड को बेचते वन पॉइंट थ्री करोड़ के नाउ इसमें आपका लाइबिलिटीज डेबिट करेंगे एटी लाख बैंक से लिया है वो एटी लाख निकाल दीजिए आप राइट इन चार साल आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली टेन लैक्स वो भी निकाल दीजिए सो एटी प्लस टेन लैक्स कितना हुआ नाइन्टी लैक्स वन पॉइंट थ्री करोड से नाइन्टीन लैक्स निकाल दीजिए कितना है फोर्टी लैक्स आपका इन्वेस्टमेंट कितना है ट्वेंटी लाख डबल हुआ डबल हुआ चार साल में तो हाउसिंग में भी पैसा बने बनाने का एक मेथडॉलॉजी uh, है उसके जरिए चलना है तो इफ यू आर लुकिंग एट हाउसिंग एसेट एस एन इन्वेस्टमेंट दिस इज हाउसिंग एसेट एस एन इन्वेस्टमेंट देन योर स्ट्रैटेजी शुड बी ऑलवेज बाई एट द बिगिनिंग एंड एग्जिट अपॉन गेटिंग ओ सी एंड डू दिस ओनली विद डेवलपर्स वो हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गिविंग प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम क्योंकि no, it, uh, इस चक्कर में क्या है अब जो चार साल का आपका बिल्डिंग है अब दस साल <laughs> ले लिया तो आपका इंटरेस्ट जो टेन लैक्स है ना वो होगा थर्टी फोर्टी लैक्स आप कुछ नहीं बनाएंगे सो so, येस yes, जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं ना यू इन्वेस्ट विद कंपनीज विच हैव गुड केपेबिलिटीज़ तो इधर भी वो केपेबिलिटी देखना पड़ेगा आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप टिल दी एंड फॉर मॉथ सच अमेजिंग इंसाइटफुल क्लिप्स Please subscribe to our channel.